कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री 16 मई को लखनऊ आएंगे। कार्यक्रम स्थल पर उनके लिए एक मिनी दफ्तर बनाया जाएगा, यानी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में रहेंगे, मिनी पीएमओ कार्य करता रहेगा। प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 मई के आगमन को देखते हुए डीएम अभिषेक प्रकाश ने उन मार्गों का निरीक्षण किया जहां से फ्लीट गुजरेगा। उनके साथ नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी भी थे। डीएम ने एयरपोर्ट और सभी गेस्ट हाउस में निर्बाध बिजली सप्लाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर निगम से बिजली के खंभों पर तिरंगे रंगे की रोशनी वाली एलईडी लाइटें लगाने का निर्देश भी दिया गया है। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था अचूक रखने के लिए ड्यूटी पोस्ट लगाने का निर्देश दिया गया है। खबर गोरखपुर से है, जहां दिग्विजय नाथ पार्क से 144 करोड़ की 100 विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। अक्षय पात्र किट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चाबी वितरित कर गौशालाओं के लिए भूसा दान करने वाले दानदाताओं को सम्मानित किया। तो वहीं इस दौरान सांसद, विधायक, एसएसपी और मजिस्ट्रेट, साथ ही एसडीएम, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में आज फिर हीट वेव की चेतावनी दी थी। अगर आज के तापमान की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में 15 मई को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज रहने की बात कही गई। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार 15 मई को राजस्थान के कुछ इलाकों में भीषण हीट वेव की स्थिति की आशंका जताई गई। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी लू के थपेड़े चलने की संभावना जताई गई। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2487 नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले शनिवार को 2858 नए मामले आए थे, यानी रविवार को शनिवार की तुलना में 331 मामले कम दर्ज किए गए हैं। बीते दिन कोविड से 13 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ एक्टिव केस 17692 पहुंच गए हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अब राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू के नेता अलग हुए। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के बैनर तले नया संगठन काम करेगा। खबर के मुताबिक यूपी, एमपी और उत्तराखंड से नाराज किसान नेताओं ने बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। वहीं राजेश सिंह चौहान को भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक का अध्यक्ष बनाया गया है। अपने दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक जवाब देते हुए सभी को निर्देशित किया। सीएम ने कहा, अधिकारी समस्याओं का त्वरित निवारण करें। योगी ने जनप्रतिनिधियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। साथ ही कहा, नई सरकार में नया गोरखपुर आपके सामने है। विकास की गंगा चारों ओर बहाना सरकार का लक्ष्य है। दूसरी बार भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाकर लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जाति, धर्म, भाषा और संकीर्णता के कारण समाज को बांटने वाले लोगों को जनता ने जवाब दिया है। अपने पहले कार्यकाल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया था। परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति को प्रदेश के अंदर लागू करके परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी डिजाइनिंग, उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग और उसे हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के लिए कि जिससे हम परंपरागत उद्यम के माध्यम से प्रदेश के
लाखों नौजवानों के जीवन में खुशहाली ला सकें, यह कार्यक्रम यहां पर पहले ही। खबर कानपुर से है, जहां एमएमए जौहर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हयात जफर हाशमी की अगुवाई में शांति रोष मार्च निकाला गया। शांति रोष मार्च में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। शांति रोष मार्च मेस्टन रोड से चलकर बड़ा चौराहा स्थित मुरारी लाल वाटिका पहुंचा, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हाशमी ने पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के माध्यम से ज्ञापन सौंप कर, और इस मार्च में एमएमए जौहर एसोसिएशन ग्रुप के सारे पदाधिकारी भी और सदस्य भी मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश के एटा जिले से है, जहां जनपद भर में लगातार ही अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। इसी क्रम में सिविल लाइंस में प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने बताया कि ये काफी पुराना अतिक्रमण है, इसके बारे में कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने चेतावनी देने के बावजूद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया तो आज कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक भी भारी पुलिस बल के साथ वहां मौजूद रहे। ये देखो, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था और इनको पहले नोटिस दिया गया था, बताया गया था इनको हटा लें, लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद भी इनके द्वारा नहीं हटाया गया, तो इस वजह से फिर आज कार्रवाई करनी पड़ी। इससे पहले भी इनके बगल में भी एक सरकारी जमीन पर बना था, उसको भी हटाया गया था, अतिक्रमण हटाया गया था, तो उसी क्रम में आज अलीगढ़ से है, जहां के तहसील इगलास तहसील के माजराबाज पतेली में 40 साल पुराने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त किया गया। दरअसल 40 साल पुराने अवैध कब्जे को लेकर काफी लंबे समय से गांव में असमंजस का माहौल था। प्रशासन के द्वारा काफी बार प्रयास किए गए, लेकिन प्रशासन असफल रहा। 40 साल के बाद योगी के महाबली के द्वारा अवैध कब्जे को मुक्त करा दिया गया है और गाँव में जल निकासी की समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाई गई है। संजय सिंह प्रधान शामगढ़ी ग्राम पंचायत शामगढ़ी के नेतृत्व में 40 वर्षों से विगत चले आ रहे विवाद का निस्तारण किया, जिसमें तालाब व नाली का निस्तारण करके जल भराव की समस्या का निस्तारण किया गया। यहाँ पे कुछ काम होना था, एक तो गांव के अंदर का ये जो तालाब था समतल था उसकी खुदाई हो रही है, दूसरा एक जो दूसरा तालाब है गाँव के किनारे वहाँ हो रही है, और ये गाँव में जो पानी भरा हुआ था ठीक है, उसके लिए नाली की भी खुदाई कराई गई है, वो जो पानी गंदा है वो हम वहाँ से पास करा के तालाब में ले जाएंगे। सर, कितना पुराना विवाद हुआ, काफ़ी समस्या आई रही है यहाँ पे। अब ये जब से मैं आया हूँ तो हमारे सामने की बात आई थी, बीच में मैंने प्रयास भी किया था लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई, लेकिन अब ये गांव वालों का कहना है कि लगभग 1.5 साल से। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिला प्रशासन द्वारा मैरिस रोड स्थित मेसर्स जादौन इंफ्राटेक द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसके चलते एडीए के अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य होने का हवाला देते हुए पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बिल्डिंग को सीज कर दिया। तो वहीं बिल्डिंग के 4 साल में 60% बन जाने के बाद एडीए की कार्यवाही सवालों के घेरे में है, और इस संबंध में एडीए वीसी गौरांग राठी ने कहा कि विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही पाई गई तो उसके विरुद्ध शासन को लिखा जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं उनकी बात है, वो अपनी बात रख सकते हैं ना, जब उनसे पेपर मांगा जाएगा तो प्रशासन को भी दे सकते हैं, पुलिस को भी, हाँ रोका गया है, पुलिस को भी दे सकते हैं विवेचना में कि उन्होंने कहाँ कब्जा किया है या वो अपना कभी भी हमेशा के लिए, तो देखिए हमारा ऑफिस खुला रहता है तो कभी भी वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, वो अपनी बात अपने पेपर्स के माध्यम से अपना रख सकते हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के जितने भी मसले हम लोगों के डेवोथ जो सॉफ्टवेयर है शासन का, उसमें जितने भी पुराने बिल्डिंग पड़े हैं उनको सभी को एक एक करके लिया गया है
और इससे पहले भी करीब 128 सील की या डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है और लगातार हो भी रही हैं, आप लोग सब इसको कवर भी करते हैं। तो उसी के मद्देनज़र देखा गया कि ये भी एक कार्रवाई है जो 2020 से इसमें सीलिंग के आदेश थे पर इस पर अभी तक अनुपालन नहीं हुआ था, तो उसी के क्रम में ये सीलिंग आज यहाँ पे की गई। लगातार सीक्वेंस में कार्रवाई हो रही है, अभी अभी एडीए की पूरी टीम आई और वो इस पर सीलिंग की कार्रवाई करके गई है, जबकि उनके बिहाफ पे हमने पहले भी इसमें समन के लिए फाइल अपनी मूव कर चुके हैं और फाइल हमारी पड़ी हुई है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवरिया में अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों की ओर से उठाई गई समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली गई, साथ ही लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कार्रवाई करने और वाहन चेकिंग के दौरान आम जनता से अच्छा बर्ताव करने को निर्देशित किया। खबर अलीगढ़ से है जहां के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के इंदिरा नगर में झगड़े के दौरान दामाद ने पहले बुजुर्ग ससुर को धक्का देकर गिरा दिया जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी मौत हो गई। फिर कुछ घंटे बाद दामाद ने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं पुलिस इस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। खबर अयोध्या से है जहां पर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम नहीं रखने देंगे। पहले राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में कहा है कि सीएम योगी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह ने शक्ति नगर कॉलोनी में अपनी चचेरी बहू डॉक्टर निशा सिंह के कात्यायनी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और सिविल लाइन में मातृ छाया प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री भी मौजूद रहे। ये एक दरबे के अंदर रहते हैं, ये मुंबई से बाहर नहीं निकलते हैं। पहली बार ये निकलने की कोशिश की है और देखिए हमारा मानना है जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, कि अगर इस जन्म में हमने कोई पाप किया, अगर इस जन्म में हमने उसकी क्षमा की लिए कोई काम नहीं किया तो हमको अपने किए गए कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है और ये पाप तो राज ठाकरे ने इसी जन्म में। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की पिटाई और उन्हें फर्जी मामले में जेल भेज देना अब आम सा हो गया है। ऐसा ही कुछ बलरामपुर में भी देखने को मिला जहां एक निजी चैनल के पत्रकार जो कि कई दिनों से संयुक्त जिला चिकित्सालय और जिला मेमोरियल चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता, साथ ही डॉक्टरों की लेट लतीफे की खबर प्रकाशित कर रहे थे, जिनको आज डॉक्टरों ने जिला मेमोरियल चिकित्सालय में ही पीट दिया। घटना के बाद से पत्रकारों में रोष व्याप्त है। पीड़ित पत्रकार ने कोतवाली नगर में लिखित तहरीर कर न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर रमेश कुमार पांडे और डॉक्टर अजय पांडे सहित 12 से 15 लोगों ने मिलकर उन्हें मारा पीटा है। पीड़ित पत्रकार का कहना है कि उस पर कैंची से भी वार किया गया जिसके निशान उसके शरीर पर मौजूद हैं। जिला मेमोरियल अस्पताल बलरामपुर में पत्रकार श्री राहुल रतन जेएमबी न्यूज तथा चिकित्सकों के बीच में फोटो तथा वीडियो बनाने को लेकर वाद विवाद हो गया जिसके क्रम में दोनों पक्षों के द्वारा थाना कोतवाली नगर पे तहरीर दी गई है। पत्रकार श्री राहुल रतन की तहरीर पर SC/ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर उमेश कुशवाहा मेमोरियल अस्पताल की तहरीर पर भी अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। दोनों ही FIR पंजीकृत करने के बाद बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट थॉमस कप पर भारत ने कब्जा जमा लिया है। पहली बार भारत ने ये टूर्नामेंट जीता है। भारत ने इतिहास रचते हुए मौजूदा चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया है। भारत को लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने चैंपियन बनाया है। खेल मंत्रालय ने थॉमस कप विजेता टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने भी विजेता टीम को बधाई दी है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।